मुझे किसी ने बड़े गहरे दोस्त ने ये बात की थी कि जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज तुम्हारे साथ एंड में खड़ी होगी ना, आर गोइंग टू बी योर ओन टू लेग्स, तेरी सिर्फ दो टांगे होंगी जो तेरे साथ एंड तक खड़ी रहेंगी, तो सबसे अच्छा दोस्त अल्लाह को बनाना चाहिए। और अल्लाह के बाद अगर इंसान को अपने इर्द गिर्द को दें तो सबसे अच्छी दोस्त अपनी दो टांगे होती है। हैव द बेस्ट फ्रेंडशिप विद योर ओन टू लेग्स, क्योंकि इसने ही तुझे खड़ा रखना है मेरे भाई और मेरी बहन, और कोई नहीं होगा साथ। दूसरी बात, उसमें अगर तुझे अपनी जिंदगी में अपना अबू बकर और उमर मिल जाए ना, तो ये बड़ी गनीमत है। तो क्या चीज देखनी चाहिए, दोस्त हमेशा वो होना चाहिए मेरी नजर में कि नौयतें भी डिफरेंट होनी चाहिए। कुछ दोस्त आप रखें जो सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन सुनने वाले हैं। एक पार्टी अपनी लाइफ में रखें जो जब आपको, अब मैं हूं ना, आपको क्या लगता है मुझे वेंट आउट होने की जरूरत नहीं है, मेरे पे काम बोझ है, और आप सबको छोड़े, हम तो आपने देखा होगा लाइफ में आते हैं हमारे साथ तो वो दूसरी मखलूक आ जाती है तंग करने के लिए, हमें तो इंसान क्या बदमाशी करेंगे, हमारे साथ तो ये जिन भी हमारा पीछा छोड़ते, तो आपको क्या लगता है हम पे कम प्रेशर होगा? जितने दुनिया में बड़े लोग काम कर रहे हैं उनपे कम जिनों के प्रेशर होते होंगे। तो एक कभी कभी इंसान का दिल क्या, अगर आप लोगों के आगे फटेंगे, वेंट आउट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, आपकी बातों के अंदर वो नेगेटिविटी फील होगी, लोग नोट करना शुरू कर देंगे, अच्छा यहां से कच्चा है ये, यहां से वल्नरेबल है, दिल स्टार्ट राइटिंग यू डाउन। हालांकि आप अंदाजा लगाएं कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग एंड दिखाना होता है मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर, इसलिए तो उमरा और तवाफ के अंदर पहले तीन चक्कर में तकब्बुर जायज हो गया, हलाल हराम चीज हलाल हो गया, क्यों? ताकि मसल दिखाया जाए कि हम हल्के नहीं। तो आपको कुछ लोग ऐसे लाइफ में चाहिए होते हैं, उनसे और कुछ आप ना मांगे मगर वो आपको सुन लें सिर्फ, एक दोस्ती का ये एस्पेक्ट। तो कुछ अच्छे ऐसे लोग मिल जाए ना जो सुन लें सिर्फ आपको, बड़ी बात। कुछ होते हैं जो सुन के आपको अच्छी बात कर लें, ये भी अगर किसी में सिफत हो जाए तो बड़ी बात है। तीसरी बात क्या होती है कि यार कोई जब भी मशवरा दे सके ना, अगर अच्छा ये दोस्त अच्छा होना चाहिए, मशवरा दे सके जब भी हो। चौथा मैं समझता हूँ जो दोस्ती का सबसे अच्छा, दुख सुख कर लें आप उसके साथ कुछ, ये दुख सुख पंजाबी का लफ्ज है या उर्दू का लफ्ज है पता नहीं, दुख सुख कर सके वो आपके साथ कर ले आप उसके साथ, इससे ज्यादा का कुछ लेना देना, वो अपनी जंगे आपकी अपनी जंगे। पांचवा अगर एलिमेंट किसी के अंदर देख रहा हो दोस्ती कराने के लिए, वो आप आपकी तनकीद कर सके, कह सके यार आतिफ ये तेरी बात ठीक नहीं, बुरा ना मानी लेकिन बात ठीक नहीं है, मतलब गुड क्रिटिकल एनालिसिस दोस्त का। नंबर सिक्स जो है वो ये सारे एलिमेंट्स अगर उसमें है, मतलब मजाक मजूक तो अच्छा, वैसे मतलब मजाक मस्ती तफरी तो वैसे बानी जाती, लेकिन सिर्फ एक आदमी शुगल अच्छा लगाता है मगर पांच जगहों के ऊपर खाली है, जो मैंने पांच बातें बयान की, ना मशवरा दे सकता है, ना तनकीद अच्छी कर सकता है, ना चिल, सिर्फ चिल करा सकता है मगर चिल के साथ और कोई एलिमेंट नहीं, तो भाईजान ये मरवा देंगे आपको। ये रखें महीने हफ्ते में एक आध दफा इनके पास भी चले जाए, लेकिन ये क्वालिटीज देखें, वो आपको मशवरा अच्छा दे सके, सुन सके, आपको वेंट आउट करा सके, फ्रस्ट्रेशन निकाल सके आपकी। सबसे बड़ी बात यह है बोझ ना हो आप, वो दोस्ती जो बोझ बन जाए ना, बोझ पता है कब बनती है, जब मफाद आते हैं बीच में।